हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक की केवाईसी का फॉर्म घर बैठे बैठे भरना चाहते हैं, केवाईसी कैसे करते हैं वो जानना चाहते हैं, और केवाईसी का फॉर्म भरने के बाद उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कराओगे ना, फोटोकॉपी कराने के बाद डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या क्या लिखा जाता है वो मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो पे बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे ना तब आपके पास ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते रहता हूँ। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे ना तब आपसे वो पॉइंट मिस हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला केवाईसी का फॉर्म है, ठीक है, जो पंजाब नेशनल बैंक की केवाईसी करने के लिए किया जाता है। इस पीडीएफ का लिंक मैं ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप जो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे ना, एक ऑप्शन दिखेगा आपको के पीएनबी केवाईसी फॉर्म डाउनलोड लिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, इस लिंक पर आपका ये वाला पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप इसका प्रिंट निकलवा कर आप अपने पेन से इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ इस फॉर्म को कैसे भरते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपका लिखा हुआ है ब्रांच नेम एंड SOID, ठीक है। जो भी आपकी ब्रांच नेम होगी ना वो यहाँ पर आप लिख लेना। तो फ्रेंड्स, मैंने डेट लिख लिया है, ठीक है। अब जिस जिस भी दिन आप फॉर्म भरोगे ना ये वाला, उसकी तारीख लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ना फर्स्ट नेम लिखना होगा, ठीक है। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे ना, वही फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखना होगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने जैसे फिलहाल ये लिख लेता हूँ ABC। जैसे आपका नाम मनोज कुमार है, ठीक है, आपने यहाँ पर लिख दिया मनोज मनोज, ठीक है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है ना, पर आप मिडिल नेम भी लिख सकते हो, बीच का नाम भी लिख सकते हो, और लास्ट में आप लिख सकते हो कुमार, ठीक है। ये आपको मैं दिखाने के लिए लिख दिया मनोज कुमार, ठीक है। उसके बाद कस्टमर आईडी लिखनी होगी आपके, ठीक है। ये कस्टमर आईडी आपके ना बैंक की जो भी पासबुक होगी ना उसके ऊपर कस्टमर आईडी आपकी लिखी होती है, ठीक है। तो कस्टमर आईडी आपने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना होगा पीएनबी का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये आप CKYC ID है ना, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ना अपना फोटो लगाना होगा पासपोर्ट साइज का, ठीक है। फोटो चिपकाने के बाद आप ग्लू से फोटो चिपका लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको ना दो सिग्नेचर करने होंगे। अगर आपको सिग्नेचर करने नहीं आते तब आप ना अंगूठे का निशान भी लगा सकते हो, ठीक है। इंक से दो जगह लगाने होंगे आपको, ऊपर लगाना होगा, नीचे लगाने होंगे, ठीक है। और अगर आपको सिग्नेचर करने आते हैं तब आपको दो जगह सिग्नेचर करने होंगे, ऊपर एक सिग्नेचर इधर करना होगा, ठीक है, और एक सिग्नेचर नीचे करना होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है कि आपका जेंडर कौन सा है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। तो जैसे अगर कोई मेल है तो मेल M लिख देना, और कोई फीमेल है तब वो F लिख सकता है, और अगर कोई ट्रांसजेंडर है तब वो T लिख सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने M लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी अपनी, तो मैं डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ कि मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख ली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने फादर का नाम लिख लेना, फादर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मदर का नाम लिख लेना, ठीक है, मदर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस लिखना होगा, आपको बताना होगा कि आप, अगर आप इंडिया में रहते हो तब आप यहाँ पर लिख सकते हो रेसिडेंट, रेसिडेंट लिख सकते हो। अगर आप इंडिया में नहीं रहते हो तब आप यहाँ पर लिखना होगा नॉन रेसिडेंट, ये मैंने नॉन रेसिडेंट लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हो तब आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉरेन नेशनल, फॉरेन नेशनल यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, मैंने लिख दिया रेसिडेंट, तो मैंने रेसिडेंट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पेन नंबर लिखना होगा, जो भी आपका पेन कार्ड का नंबर है ना उसके ऊपर नंबर लिखा होता है पेन कार्ड का, वो यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो मैंने पेन कार्ड का नंबर लिख दिया, ठीक है। अभी आप उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफेशन या एक्टिविटी लिखनी होगी, मतलब आपका क्या प्रोफेशन है, आप क्या करते हो। अगर आप कोई स्टूडेंट है तब आप यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो अगर आपका कोई और अदर वर्क है तब आप अदर भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपका डॉक्टर है तब आप डॉक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एनुअल इनकम लिख सकते हो कि आपकी एनुअल इनकम क्या है, 3 लाख रुपये एक साल की कमाते हो, 4 लाख कमाते हो, 5 लाख कमाते हो, ठीक है, वो यहाँ पर आप लिख लेना। अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है तब आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट इसको आप छोड़ सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आप, अगर आप शादीशुदा हो, अगर आप कोई मेल हो, तब आपको यहाँ पर आपको अपनी पत्नी का नाम एंटर करना होगा, पत्नी का नाम यहाँ पर आपको आपने लिख दिया, ठीक है। और अगर आप, अगर आप पत्नी हो तब आपको यहाँ पर आपको अपने पति का नाम लिखना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऐप क्राफ्टिंग हब को ये सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, यानी जब भी हम कोई नए वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे ना उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए, ताकि आप वो मिस ना कर पाएं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियोज पर कुछ सुझाव देना चाहते हैं या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तब आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा अपने यूजर के साथ इंगेजमेंट बनाए रखता हूँ, उनकी कमेंट का हमेशा मैं रिप्लाई देता हूँ। उसको भरने के बाद यहाँ पर आपका आइडेंटिटी या एड्रेस डिटेल की लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर है ओवीडी टाइप, ओवीडी का फुल फॉर्म मैं बताता हूँ आपको, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट टाइप, मतलब आप इस केवाईसी को करवाने के लिए आप
कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। या तो आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, और पैन कार्ड भी दे सकते हो, और ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो। जैसे आपको अगर आधार कार्ड देना है, ठीक है, तब आपको यहाँ पर लिख देना है आधार कार्ड, ठीक है। और जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर होगा ना, यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। और जो भी आपकी आधार कार्ड की इशू डेट होगी ना, कुछ भी लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। ये आप खाली भी छोड़ सकते हो, और एक्सपायरी डेट तो होती नहीं आधार कार्ड की, आप छोड़ सकते हो। और जैसे अगर आपने पासपोर्ट लिख दिया यहाँ पर, या ड्राइविंग लाइसेंस लिख दिया ना यहाँ पर, जैसे जैसे यहाँ पर ऊपर आपने ड्राइविंग लाइसेंस लिख दिया, और यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की डेट होगी ना, इशू डेट, जारी करने की तिथि होगी ना, वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर लिखी होती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया 20, ठीक है। और उसकी जो एक्सपायरी डेट होगी ना, यहाँ पर आप कुछ भी लिख देना जो उसके ऊपर लिखी होती है ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, 2030। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एड्रेस लिखा होगा ना, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। डिस्ट्रिक्ट लिखनी होगी यहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट जिले में आप रहते हो, डिस्ट्रिक्ट लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर आपको उसके बाद अपना स्टेट लिखना होगा, राज्य लिखना होगा, मैंने राज्य लिख दिया, राज्य लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड लिखना होगा, यहाँ पर आपको ये मैंने पिन कोड भी लिख दिया अपना। उसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन है कम्युनिकेशन एड्रेस इफ डिफरेंट फ्रॉम ओबीटी। मतलब अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, बैंक के एटीएम कार्ड आता है, क्रेडिट कार्ड आता है, ठीक है, अगर वो कम्युनिकेशन एड्रेस बिल्कुल सेम है ऊपर की तरह, ठीक है, तब आप जो आपने ऊपर लिखा था ना, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और पिन कोड, वो यहाँ पर आपको सेम लिख देना है, ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस कोई और सा है, अगर आपने कम्युनिकेशन एड्रेस ऑफिस का लिखवा रखा है, तब आपको अपने ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, स्टेट लिख देना है, पिन लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ना पेन से टिक कर देना है इसको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ना सिग्नेचर करने होंगे अपने, अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा यहाँ पर आपको, ठीक है। और जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी ना, वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन है फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ये ऑफिस वाले इसको लिखेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, ये सारा मैंने आपको बता दिया है कि पीएनबी का केवाईसी का फॉर्म कैसे भरा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पर क्या क्या फोटोकॉपी लगती है। अब जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स का डिटेल यहाँ पर दी है ना, चाहे आपने यहाँ पर आधार कार्ड लिखा हो या ड्राइविंग लाइसेंस लिखा हो, ठीक है, जैसे आपने आधार कार्ड लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, आधार कार्ड के साथ आप अपना पैन कार्ड का भी फोटोकॉपी करवा लो, ठीक है। फोटोकॉपी करवाने के बाद, जैसे फिलहाल आपने ये फोटोकॉपी करवा ली, ठीक है, फोटोकॉपी करवाने के बाद जो आपका इसके बीच का सेक्शन होगा ना, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिख देना है, ठीक है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप उसके नीचे ना अपना सिग्नेचर भी कर सकते हो, जो भी आपका सिग्नेचर होगा, और यहाँ पर आप उसके बाद अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों काम आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिख करने हैं, एक तो आधार कार्ड हो गया आपका, और जो अगर आप और दूसरा डॉक्यूमेंट्स अगर आपका पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, उसके ऊपर भी आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और सिग्नेचर कर देना है आपको, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आप फोटोकॉपी करने के बाद आपको अपने केवाईसी के साथ अटैच कर लेना है स्टेपलर से, और अपने बैंक ब्रांच में जाकर इसको फॉर्म को दे देना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका एक दो दिन के अंदर आपका बैंक का केवाईसी हो जाएगा, ठीक है। इसको चेक करने के लिए इसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है, पीएनबी का केवाईसी कैसे चेक करते हैं, पीएनबी वन ऐप के अंदर या पीएनबी नेट बैंकिंग की वेबसाइट पर, आप वो वीडियो जाकर देख लेना हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, या मैं उन वीडियो को लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल सके कि पीएनबी का केवाईसी का फॉर्म घर बैठे बैठे कैसे भरते हैं, और भरने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और डॉक्यूमेंट्स के क्या ऊपर क्या लिखा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।